नमस्कार। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है यह भी बहुत ही सिंपल सा है। इसमें हमें करना क्या है, सॉल्यूशंस में सबसे पहले लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू 1 बाय इंटीग्रेशन में एक्स लॉग एक्स टू द पावर एम डी एक्स। देखिए क्वेश्चंस में जो ये फंक्शन लिखा हुआ है इसमें बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और एम की वैल्यू 1 नहीं लेना है। एक्स की वैल्यू जो है 0 से बड़ी, इसलिए बोल रहा है कि भाई एक्स यहाँ पे 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो लॉग कभी भी नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करके वैल्यू नहीं डिफाइन करता है, तो यहाँ पर एक्स हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो फिर इसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें करना क्या है कि इसमें हम देख रहे हैं लॉग आ गया है, तो लॉग एक्स जब आएगा इस तरह से किसी भी इंटीग्रेशन के अंदर तो हमें उसी को टी लेना रहेगा। लॉग एक्स को टी लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय एक्स। तो 1 बाय एक्स इसमें लिखा हुआ है, तो इसके सिंप्लीफाई में लिखेंगे पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 बाय एक्स, डी टी बाई डी एक्स में से डी एक्स इधर शिफ्ट कर देंगे, इज इक्वल टू में आएगा डी टी। अब ये वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट कर दो आप तो आई इज इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स डी एक्स, ये डी टी बन जाएगा और इधर लॉग एक्स के प्लेस में टी आएगा, मतलब क्वेश्चन बनेगा टी का पावर एम और डी टी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे इंटीग्रेशन, देखिए यहां पर अब इसीलिए तो बोला था उसने कि इस m को 1 नहीं लेना है, कभी यहां पर m 1 आ जाता तो यहां पर log का आइडेंटिटी लगता और x की पावर n का आइडेंटिटी लगता, तो इसमें किसके आइडेंटिटी लगाते हैं हम, इसलिए इसको मना कर दिया कि आप 1 मत लीजिएगा। जब यहां पर 1 नहीं रहेगा m, एम की वैल्यू 1 नहीं होगी, तो फिर इसका श्योर है कि फिर इसमें लॉग वाली आइडेंटिटी तो लगेगी ही नहीं, तो फिर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, एक्स की पावर एन वाला। कैसे, इसको हम लिखेंगे टी का पावर ऐसा और इधर आएगा डी टी। अब इसमें आप आइडेंटिटी लगा देंगे एक्स की पावर एन वाली, तो आई इज इक्वल टू मिलेगा टी का पावर माइनस एम है तो बनेगा टी का पावर माइनस एम प्लस वन, डिवाइड में आएगा माइनस एम प्लस वन प्लस का सी आएगा। आई इज इक्वल टू, अब टी के प्लेस में वैल्यू पुट कर दो आप, टी की वैल्यू हमने ली है लॉग एक्स, तो यहां पर आएगा लॉग एक्स टू द पावर माइनस एम प्लस वन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एम, सेम इधर माइनस एम प्लस वन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एम प्लस सी, यह इसका आंसर है। कभी इसको हम माइनस एम प्लस वन भी लिखा रहने दे तो भी सही कहलाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर ये 14 कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15 है यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें नीचे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर को यदि हम टी लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2x आता है जो x dx dt बना देगा। तो केवल एक्स स्क्वायर को टी ना लेकर के इस कंप्लीट वैल्यू को हम टी लेंगे, मतलब इसमें हम लिखेंगे पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 9 का डेरिवेटिव 0, माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, इंटू में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और dx साथ में लगेगा dt आ जाएगा। अब यहाँ x dx हमें चाहिए, x dx हमें चाहिए, तो माइनस 4 और 2 इंटू करके उधर भेज देंगे, तो इधर केवल बचेगा x dx इज इक्वल टू, इधर देखिए 1 बाय माइनस 4 इंटू 2 दैट इज अ माइनस 8 उधर चला जाएगा। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे तो आई इज इक्वल टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऊपर 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को टी ले लिया, ये टी रहेगा, इनटू में एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स बन जाएगा 1 बाय माइनस 8 डी टी। ये माइनस में जो 1 बाय 8 लिखा हुआ है इसको बाहर कर देंगे, मतलब माइनस 1 बाय 8 बाहर, इंटीग्रेशन 1 बाय टी डी टी। 1 बाय टी का इंटीग्रेशन करके हमें मालूम है किसका इंटीग्रल वैल्यू आता है लॉग में, तो माइनस 1 बाय 8 एज इट बाहर रहेगा और इसका आ जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब इस टी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे जो भी लिखा हुआ है, फाइनल आंसर बन जाएगा आई इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 8 लॉग ऑफ टी, टी के प्लेस में आएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में सी, यह इसका आंसर हो जाएगा। जय। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें दिख रहा है ए टू द पावर 2x प्लस 3, इसका हम इंटीग्रेशन करना है। देखिए हमें याद होना चाहिए कि यदि e की पावर में x होगा या जो कुछ भी होगा तो उसका यदि हम इंटीग्रेशन निकालेंगे या फिर डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो उसका जो फाइनल वैल्यू आएगा वो e की पावर में ही रहेगा। लेकिन जब x के प्लेस में, मतलब कहने का यदि e टू द पावर x हो उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो e टू द पावर x ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर x के प्लेस में 2x प्लस 3 आ गया है, तो 2x प्लस 3 में से इस 2 का 3 का क्या होगा, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो कैसे, इसको हम सबसे पहले t सपोज करेंगे, लिखेंगे पुट
टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टी। अब इस टू एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव निकालेंगे, टू एक्स वन हो जाएगा, थ्री जीरो हो जाएगा, उधर से डी एक्स को इधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर ऐसा बन जाएगा। यहाँ पर टू कहीं है नहीं, केवल हमें डी एक्स की वैल्यू देना है, तो टी डी एक्स इज इक्वल टू आएगा वन बाई टू डी टी। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर में टू एक्स प्लस थ्री, ये बनेगा टी, डी एक्स के प्लेस में आएगा 1 बाय टू डी टी। इस 1 बाय टू को बाहर कर देंगे तो आई इज इक्वल टू 1 बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी डी टी। अब इसमें आप लगा दोगे ई का फॉर्मूला, तो आई इज इक्वल टू बनेगा 1 बाय टू ई टू द पावर टी ही रहेगा, प्लस में सी आएगा, तो आई इज इक्वल टू 1 बाय टू ई टी के प्लेस में आ जाएगा 2x प्लस थ्री, तो इधर 2x प्लस थ्री प्लस में सी, यह इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमें देखो ये भी याद रखना है, या फिर यूँ कहें हमें सीख के रखना है कि कभी भी यदि e के पावर में 2x प्लस थ्री समथिंग कुछ आएगा तो उसको इंटीग्रेशन करने के लिए, अभी केवल क्वेश्चन हमसे स्टार्टिंग करवा रहा है तो हम उसको ऐसे सिंप्लीफाई करके बताएंगे, लेकिन यही फंक्शन किसी बड़े फंक्शन में यदि कहीं पर इंक्लूडेड होगा और हमें उसका इंटीग्रेशन करना होगा तो हम उसका डायरेक्ट आंसर देंगे। क्या देंगे डायरेक्ट आंसर, कि जो ये पावर में लिखा हुआ है इसका जो डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस थ्री का जो भी डेरिवेटिव आएगा उसको हम इसके इंटीग्रेशन के नीचे कर दिया करेंगे। मतलब यदि हमें कह दिया होता कि e टू द पावर 5x का इंटीग्रेशन निकालो, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हम सीधे लिखेंगे e टू द पावर 5x और इसका डेरिवेटिव आएगा 5, तो उसको हम नीचे 5 लिख देंगे, ऐसा ये 5 है। और कभी e टू द पावर मान लो लिखा होता 9x प्लस 8, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन आता e टू द पावर 9x प्लस 8 डिवाइड में इसका डेरिवेटिव आएगा 9, उसको नीचे लिख देंगे। तो इस तरह के सिस्टम को हमें याद रखना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है यह भी बहुत ही सिंपल सा है, इसमें हमें ढूंढना है कि किस फंक्शन को हम t लेकर के चले जिससे उसका डेरिवेटिव बन जाए। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को यदि हम t लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव 2x आएगा जो कि x dx dt में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके साथ जब हम इसको t लिखेंगे तो आगे चल करके हमें मिलेगा 1 अपॉन में e टू द पावर t। अब e टू द पावर t यदि डिनोमिनेटर में रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको स्टार्टिंग से ही इसको अभी से ऊपर कर देते हैं, मतलब x e टू द पावर क्वेश्चंस को हमने ऐसा लिख दिया। मालूम है यदि किसी भी वैल्यू को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो उसका पावर जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा, पावर कभी इसका साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब यहां पर हम इस वैल्यू को t सपोज कर लेंगे, मतलब यहां लिखेंगे इसके बाद पुट माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। इस माइनस एक्स स्क्वायर को टी लिया, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा माइनस टू एक्स इज इक्वल टू में आएगा डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को इधर लिख देंगे। अब यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ये एक्स और डी एक्स हटेंगे तो यहाँ से एक्स डी एक्स आएगा, इस माइनस टू को उधर भेज देंगे माइनस टू और डी टी। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी जाएगी, इधर नहीं इधर पुट कर दी जाएगी, तो आई इज इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ये डी टी बन जाएगा और ए टू द पावर में माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस में टी आ जाएगा, इन टू में यहाँ पर ये आएगा वन बाय टू डी टी। यहाँ माइनस लगा हुआ है, माइनस रहेगा। अब इस माइनस वन बाय टू को बाहर कर देंगे तो मिलेगा I इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू, अंदर रहेगा e टू द पावर t dt। अब इसका इंटीग्रल वैल्यू बहुत ही सिंपल सा है, e का इंटीग्रेशन करते हैं तो e के फॉर्म में ही आता है, मतलब इधर आएगा e टू द पावर t प्लस में आएगा c, तो I इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू e टू द पावर t, t की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c, यह इसका आंसर है। लेकिन आंसर में क्या करना है कि इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो उसको नीचे ले जाएंगे, मतलब आएगा 1 बाय टू, ये नीचे जाएगा तो उसका पावर प्लस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस में आएगा सी, यह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है यह दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है कि इसमें 10 इनवर्स आ गया है ऐसा क्या, तो है बहुत ही सिंपल सा है। क्यों सिंपल सा है, इसमें हम देख रहे हैं कि टेन इनवर्स एक्स का यदि हम डेरिवेटिव करके सोचे तो वन बाय
वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है जो कि यहाँ पर फंक्शन में लिखा हुआ है। तो मतलब इसको हम ऐसा बना सकते हैं, ऐसा e टू द पावर टेन इनवर्स x इंटू में वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये तो इस टेन इनवर्स x को हम t लेकर के चलेंगे। कैसे लिखेंगे इसके सॉल्यूशंस में, पुट टेन इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ डी एक्स लगाएंगे, इधर डी टी लगाएंगे। अब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो बनेगा आई इज इक्वल टू इंट्रीगेशन, यहाँ पर देखिए ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, तो ई टू द पावर ये टी हो जाएगा, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये डी टी बन जाएगा, तो इधर डी टी आ जाएगा। अब कितना सिंपल सा हो गया, ई का हमें सीधे इंटेग्रल वैल्यू लिख देना है, इसकी वैल्यू आएगी ई टू द पावर टी प्लस में आएगा सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फाइनल आंसर बन जाएगा। तो आई इज इक्वल टू टू द पावर टी, टी की वैल्यू है टेन इनवर्स एक्स, तो इधर आएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस में रहेगा सी, यह इसका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल सा सॉल्यूशंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है, यह थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन टाइप का दिख रहा है। इसमें e टू द पावर 2x माइनस 1 और नीचे e टू द पावर 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन e टू द पावर में कुछ रहेंगे, तो यहां पर हमें क्या करना है कि नीचे भी ई का फंक्शन रहेगा, ऊपर भी ई का फंक्शन रहेगा, और इस तरह से प्लस माइनस में मतलब टू टर्म्स के फॉर्म में लिखा होगा। तो इसके लिए करना क्या रहेगा कि हमें याद रखना है कि यहाँ ये जो दो वैल्यू है ना, ये भी ई टाइप की होनी चाहिए। तो इसको बनाने के लिए करेंगे क्या, यहाँ पर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर रहेगा e टू द पावर 2x माइनस 1, ऊपर हम e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे और नीचे भी e टू द पावर x से डिवाइड करेंगे, ताकि हमें वो फंक्शन मिल जाए जिसको हम t ले सके। अभी तो हम किसी को भी t मानेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू देगा नहीं वो। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए e टू द पावर x से डिवाइड किया, इधर भी e टू द पावर x से डिवाइड किया, होल डिवाइड में ऊपर भी काम किया, अब नीचे भी कर देंगे, तो e टू द पावर 2x डिवाइड में आएगा e टू द पावर x, प्लस का साइन लगा है, और 1 अपॉन में e टू द पावर x और dx रहेगा। अब आगे इसको देखिए लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x, नीचे e टू द पावर x, तो हमें पता है कि यदि डिवाइड में वैल्यू लिखी हुई है और बेस सेम है तो पावर माइनस होगी, मतलब यहाँ हम ये आइडेंटिटी लगाएंगे e टू द पावर m by e to the power n is equal to e to the power m minus n, तो e to the power 2x और ये x ऊपर चला जाएगा तो माइनस का x, तो इज इक्वल टू आएगा e to the power x, इसके प्लेस में आएगा e to the power x माइनस, यहाँ e टू द पावर x को ऊपर लिख देंगे तो बन जाएगा e टू द पावर माइनस x, इधर भी सेम इसी के जैसा सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा प्लस, इसको ऊपर भेज देंगे तो e टू द पावर माइनस x, और ये ऐसा बन जाएगा। अब हमें ऐसा फंक्शन इसमें मिल चुका है जिसको हम t लिख सकते हैं, तो t किसको लिख सकते हैं, इसको हम t लिख सकते हैं e टू द पावर x प्लस ऐसा, तो इसको हम लिखेंगे पुट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव करो आप, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर x ही रहेगा, e टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस x होता है, और माइनस x का करेंगे तो माइनस 1 आगे लिख दिया जाता है, तो माइनस 1 इसके साथ इंटू करेगा तो माइनस हो जाएगा और e टू द पावर माइनस x रहेगा, और इधर ये dx रहेगा इसके साथ में, इज इक्वल टू में dt आ जाएगा। अब देखिए ये वैल्यू जो है ये इवन इसमें फंक्शन में बन चुकी है, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, और इसके साथ dx ये dt बन जाएगा, और इसके प्लेस में आ जाएगा t। बहुत ही सिंपल सा इसका सॉल्यूशन बन चुका है। I इज इक्वल टू मिलेगा ऊपर 1, ये पूरा हट चुका है, 1 बन जाएगा, और नीचे आ जाएगा इसके प्लेस में t, और इधर dt आ जाएगा, इधर dt आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू 1 बाय t का इंटेग्रल वैल्यू होता है log ऑफ t प्लस में c। इसके बाद यहाँ पर देखिए t की वैल्यू पुट कर देंगे, log ऑफ t की वैल्यू है हमारे पास e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, तो यहाँ आएगा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस में c, यह 19 का आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 20 है, यह भी बहुत ही सिंपल सा है, दिखने में जरूर ऐसा दिख रहा है कि e का पावर 2-3 बार और ऊपर नीचे ऐसा कुछ, बहुत ही सिंपल सा इसका सोल्यूशन है। हम यदि नीचे वाले फंक्शन को t सपोज करके चलेंगे तो ऑटोमेटिक इसका सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे, देखिए लिखेंगे पुट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव कर दें, e टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e टू द पावर 2x ही आएगा, फिर इस 2x का करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई में लिखेंगे जो कि आगे लिख दिया जाता है,
प्लस इसका भी करेंगे तो e टू द पावर माइनस टू एक्स आएगा, माइनस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस टू आएगा, इसको भी आगे लिखेंगे इधर माइनस टू आ जाएगा और साथ में इसके साथ डी एक्स रहेगा और इज इक्वल टू में डी टी आ जाएगा। अब इस फंक्शन में देखिए आप टू इसके साथ भी है, टू इधर इसके साथ भी है, तो इन दोनों टू को बाहर निकाल लेंगे और ऊपर माइनस चाहिए तो ये माइनस और ये प्लस माइनस बन जाएगा, मतलब इधर मिलेगा टू e टू द पावर टू एक्स माइनस e टू द पावर माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। अब गिवेन फंक्शन में जो है टू नहीं है, टू को उधर शिफ्ट कर देंगे तो मिलेगा e टू द पावर टू एक्स माइनस e टू द पावर माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू डी टी। अब ये सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही आसान बन जाएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये और ये, ये और ये मिल करके 1 बाई टू डी टी बनेंगे, नीचे आएगा t, ऊपर 1 लिखेंगे नीचे लिखेंगे t, इन टू में 1 बाई टू डी टी लिखा जाएगा। अब इस 1 बाई टू को इधर बाहर लेकर रख देंगे, I इज इक्वल टू 1 बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी आएगा। अब इस 1 बाई टी का इंटीग्रल वैल्यू लॉग के फॉर्म में आएगा तो I इज इक्वल टू 1 बाई टू लॉग ऑफ t प्लस में सी। अब इस टी की वैल्यू हम यहाँ इस टी के प्लेस में पुट कर देंगे टी की वैल्यू, तो इधर मिलेगा आई इज इक्वल टू वन बाय टू लॉग ऑफ इस टी के प्लेस में ये आएगा e टू द पावर टू एक्स प्लस e टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस में सी। यह इसका आंसर होगा, बहुत ही सिंपल सा इसका सॉल्यूशंस है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 21 है यह भी बहुत ही सिंपल सा है, इसको लिखेंगे लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री डी एक्स। इसमें क्या करना है, इसमें कहीं पर कुछ दिख नहीं रहा हमें फंक्शन की, जिसको हम डेरिवेटिव टी ले, जिसको हम टी सपोज करें उसका डेरिवेटिव निकालें तो फंक्शन में दिखे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको पहले हटाना है टू एक्स माइनस थ्री को, तो इधर हम लिखेंगे पुट टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू आएगा, इधर डी एक्स रहेगा इज इक्वल टू में डी टी बन जाएगा, डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो इज इक्वल टू में वन बाई टू डी टी आएगा। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर, इसको हमने टी नाम दे दिया है टी, और इधर डी एक्स के प्लेस में वन बाय टू डी टी आएगा, वन बाय टू डी टी आएगा, वन बाय टू कॉन्स्टेंट है इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, 1 बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ इधर अंदर बचेगा केवल टेन स्क्वायर टी डी टी। अब हमें इस टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सोचना है, तो टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो फिर इस टेन स्क्वायर को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, जिसमें इसका इंटीग्रेशन हो सके, तो हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1 बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिएगा यहाँ पर इस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्लास टेंथ की आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो उसके फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। ऐसा कह रहे हैं कि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इसको ट्रांसफर कर देंगे तो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उधर गया तो माइनस का चला गया, तो यहाँ थीटा के प्लेस में टी है तो यह बन जाएगा सेक स्क्वायर टी माइनस 1 और डी टी। अब इसका अलग इंटीग्रल रख देंगे तो 1 बाय टू सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, डायरेक्ट 10x फॉर्मूला है, तो सेक स्क्वायर एक्स का आ जाएगा यहां पर 10x, x मतलब t और माइनस 1 का हो जाएगा x, x मतलब यहां t के रिस्पेक्ट में तो t और प्लस में c। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे फाइनल आंसर बनेगा, इधर आएगा 1 बाय टू अंदर देखिए 10 और x के प्लेस में आएगा 2x माइनस 3, तो इधर लिख दिया जाएगा 2x माइनस 3 माइनस इसके प्लेस में आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस में रहेगा c, यह इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको आंसर के जैसे बनाने के लिए हमें इसका सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करना है देखिए, हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू 1 बाय टू, इसको 1 बाय टू को अंदर भेजा तो बन जाएगा ये 10 2x माइनस 3 माइनस इस 1 बाय टू का इधर इंटू होगा तो 1 बाय टू इंटू हो जाएगा 2x, फिर 1 बाय टू का इसके साथ इंटू होगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और 3 बाय टू हो जाएगा, प्लस का c आएगा, इधर से 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो i इज इक्वल टू आएगा 1 बाय टू 10 2x माइनस 3,
इधर बचेगा माइनस एक्स और प्लस में देखिए जो 3/2 प्लस सी लिखा हुआ है, तो सी क्या रहता है इंटीग्रल वैल्यू में, कांस्टेंट रहता है, और किसी भी कांस्टेंट के साथ यदि हम कोई सा कांस्टेंट ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू भी कैसे आएगी, कांस्टेंट ही आएगी। तो मतलब यहां पर 3/2 प्लस सी को एक साथ हम सी लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसको सी लिख दिया इधर, तो यह इसका आंसर होगा। ये 3/2 हट नहीं गया यहां से, ये ऐसे ही हट गया, 3/2 हटा नहीं है, 3/2 प्लस सी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो चाहे हम केवल एक सी लिखें या इसको ऐसा लिखें तो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो एक्चुअल में सिंप्लीफाई करके यही आंसर अच्छा लगेगा, तो हम लिख देंगे इसको आंसर में। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 22 है यह बहुत ही सिंपल सा है, इसमें हमें ऐसा टी नहीं ढूंढना है जिसका डेरिवेटिव फंक्शन में दिखे, सिंपल सा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है, इसके अंदर कोई सा एक वैल्यू एक्स का फॉर्म जो है एक फंक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम टी ले लेंगे, मतलब इसको यहाँ से हटाएंगे, पुट 7-4x = t, इसका डेरिवेटिव करेंगे, 7 का 0 हो जाएगा, -4x का -4 आएगा और dx लगाएंगे = dt बन जाएगा। अब यहाँ से देखिए -4 तो है नहीं कहीं पर मल्टीप्लाई में, इसको हटाएंगे, dx = 1/4 dt, -7 में इधर लगा देंगे। अब इसमें क्या करना है, इसको t बना देंगे ना, तो इसका sec square t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, कैसे देखिए बनेगा ये i = ∫ sec² इसके प्लेस में आ गया t और मल्टीप्लाई में dx के प्लेस में आएगा ये 1/4 नेगेटिव के साथ dt, इस -1/4 को बाहर कर देंगे, -1/4 इंटीग्रेशन रहेगा यहां पर sec² t dt। अब sec² t का इंटीग्रेशन 10t होगा, तो इधर मिलेगा i = -1/4 10t + में c, t की वैल्यू t के प्लेस में पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर बन जाएगा -1/4 10 7 -4x + c, यह इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशंस है, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 23 है यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 इसी एक्सरसाइज का सॉल्व किया है ठीक उसी तरह से इसका भी सॉल्यूशंस कर लेंगे। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स को यदि हम टी सपोज कर लेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√(1 − x²) जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इनटू में इसके 1 और अपॉन में रूट में 1 − x², जो dx के साथ dt बन जाएगा और साइन इनवर्स एक्स टी बन जाएगा और उसमें x की पावर n की आइडेंटिटी लग जाएगी। मतलब बहुत ही सिंपल सा इसका सॉल्यूशंस लिखेंगे, पुट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1/√(1 − x²), इधर dx और इधर dt, ये सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो i = मिलेगा इंटीग्रेशन, ये बन चुका है t 1 के अपॉन में ये और dx बन चुका है dt। अब t में डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हमें रटा हुआ होना चाहिए, t का इंटीग्रेशन होता है t² / 2 प्लस में आएगा c, t के प्लेस में इसकी वैल्यू पुट करेंगे आंसर बनेगा, लिखेंगे i = sin inverse x और यहाँ पर पावर लगा हुआ है 2, डिवाइड में रहेगा 2 प्लस में आएगा c, यह इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, कंप्लीट हो जाएगा। जय देखिए क्वेश्चन नंबर जो 24 है यह है 2 cos x - 3 sin x / 6 cos x + 4 sin x लिखा हुआ है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो इसको इस टाइप से लिख देंगे, लिखने के बाद फिर इसमें ढूंढेंगे किसका डेरिवेटिव करेंगे जो फंक्शन में दिखेगा, मतलब हम इसमें किसको टी सपोज कर सकते हैं, तो उसको ढूंढने के लिए हमें इस नीचे वाले को ही टी रखना पड़ेगा। तो क्या नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर के जैसा बन रहा है कि नहीं, ढूंढते हैं। cos x का डेरिवेटिव माइनस में आएगा sin x, तो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स है इसके साथ 3, इसके साथ 6 दिख रहा है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा। चलो इसका कुछ करेंगे, 4 sin x का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ऊपर दिख रहा है, प्लस का ये भी है और यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो ये 4 और 6 जो लिखे हुए हैं पहले इनको थोड़ा सा कुछ कम करें, तो दोनों से आप देख रहे हैं 2 बाहर निकल के आ जाएगा, मतलब इसको हम लिख सकते हैं i = ∫ 2 cos x - 3 sin x / यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा इसके पास 3 cos x + इसके पास बचेगा 2 sin x और dx, अब बन चुका है इसको t लेने के लायक, तो यहाँ लिखेंगे पुट 3
कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स को टी ले लिया, ठीक। अब आगे यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे, थ्री कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस थ्री साइन एक्स, सिंपल सा है, आना चाहिए। टू साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा टू कॉस एक्स, और इसके साथ रहेगा डी एक्स इज इक्वल टू में आएगा डी टी। अब इसको मैच करो ऊपर के जैसा है कि नहीं, देखिए टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स माइनस थ्री साइन एक्स सेम है। आपको कभी कन्फ्यूजन हो तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब हम इसको आगे लिख देंगे टू कॉस एक्स, इसको बाद में लिख देंगे माइनस के साथ थ्री साइन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। ऊपर वाला जो है बन जाएगा डी टी और इधर आ जाएगा टी, तो फंक्शंस बनेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा डी टी बन चुका है इसको लेकर के, और ये बन जाएगा टी, मतलब ऊपर वन नीचे आएगा देखो यहाँ पर टू, और इसके प्लेस में आ जाएगा टी और इधर रहेगा डी टी। अब ये टू कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास आई इज इक्वल टू वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई टी डी टी। वन बाई टी का इंटीग्रल वैल्यू बहुत ही सिंपल सा लॉग के फॉर्म में आता है, तो आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बनेगा वन बाई टू लॉग ऑफ टी प्लस में सी। अब यहाँ पर हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो इधर आएगा लॉग टी, टी की वैल्यू है थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, तो इधर आ जाएगा थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी, यह इसका आंसर कहलाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है यह बहुत ही सिंपल सा है, इसमें क्या करना है कि इसमें ढूंढना है किसको हम टी ले सकते हैं। तो आप देख रहे हो 1 माइनस टेन एक्स को यदि हम टी सपोज करें तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, नेगेटिव लगा रहेगा, 10 एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो क्या इसमें सेक स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। लेकिन यदि हम ध्यान दें तो sec स्क्वायर जो होता है वह cos के साथ रिलेट होता है, तो sec स्क्वायर x की वैल्यू 1 बाई cos स्क्वायर x होती है। तो आप 1 बाई cos स्क्वायर x dx को d ले लेंगे, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस टेन एक्स को t सपोज किया जाएगा, तो लिखेंगे पुट 1 माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे ये 0 बन जाएगा, माइनस लगा रहेगा, इसका आएगा sec स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखिए नेगेटिव कहीं नहीं है, इस नेगेटिव माइनस साइन को उधर भेजना है, उधर चला जाएगा, और sec स्क्वायर x भी नहीं है, 1 बाई cos स्क्वायर है, तो इसको हम बना सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर x, यहाँ डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस डी टी। अब ये सारी वैल्यू जिसमें पुट कर देंगे तो i इज इक्वल टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर 1 लिखा रहने देंगे, नीचे ये कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स ये माइनस डी टी बन जाएगा, और इधर इसके प्लेस में आ जाएगा टी, पावर इसमें लगी हुई है 2 तो यहाँ लग जाएगा 2, इधर आएगा डी टी। ये नेगेटिव साइन यहाँ ना लगा करके आगे लगा रहे हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस इंटीग्रेशन, देखिए नीचे यदि पावर की वैल्यू लिखी हुई है एक्स की पावर एन टाइप का, तो नीचे से तो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा नहीं, नीचे ऊपर ले जाएंगे, तो इसको लिखेंगे टी का पावर माइनस टू डी टी। अब इसमें एक्स की पावर एन की आइडेंटिटी लगाएंगे तो आई इज इक्वल टू बनेगा माइनस टी का पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड में माइनस टू प्लस वन प्लस का सी। तो आई इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन, ये ऊपर रहेगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, नीचे माइनस वन प्लस का सी, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, प्लस का बन जाएगा, और टी का पावर माइनस वन जो लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख देंगे तो वन बाई टी प्लस में सी आ जाएगा। तो आई इज इक्वल टू वन बाई टी, टी की वैल्यू वन माइनस टेन एक्स यहाँ पुट कर देंगे, वन माइनस टेन एक्स प्लस में सी, यह इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 25 का। जय हिंद।